आती टिप्पणी ये थी कि हम इन चीजों के खिलाफ नहीं है, पर जिस तरह से इस आप क्या कर रहे हैं, इन चीजों को लेकर ड्रम पीटा जाता है, आपकी पार्टी का कोई आदमी जाता है। हम कह रहे हैं हमारी कर्नाटक में सरकार थी, कर्नाटक में सरकार थी, 2.5 लाख रुपए तक का बीमा था वहाँ पे, हमने ये किया। हमारी मेघालय में सरकार थी, 4.5 लाख रुपए तक का बीमा था, 4.5 लाख रुपए का, हमने ये किया। तो अब आप ये मत कहिए कि आप क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें थी वहाँ पे आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स है, पर आप ड्रम बीटिंग मत करो, ड्रम बीट करके आप यहाँ पे वोट बटोरने का चक्कर मत चलाओ। आप समग्र रूप से चालू करो, आप इसको पार्शियल रूप से चालू मत करो। साथ में बहुत मेहमान है वल्लभ जी, संबित जी, छोटा सा मुझे लगता है आज बहुत सौम्य तरीके से विषयों को रखने की आवश्यकता है। एक बात से मैं घोर आपत्ति करता हूँ, बार बार प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोल रहे थे, ऐसा शब्द हम सबके लिए आपत्तिजनक है। क्योंकि हम सर, मैं आपके सर आप देश के एक मुख्य चेहरे पे बैठे हैं, मुख्य दिन बैठे हैं, ऐसे लड़ाई करके सर आप मन में थोड़े मन में दुख करिए, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। ऐसे नहीं आराम से, ये बार बार जो झूठो मीटर लेके बैठ जाते हैं ये विपक्ष के नेता कि हमने सब कुछ कर दिया था, अगर सब कुछ कर दिया था तो आज ये सवाल पूछना ही नहीं पड़ता। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीपीआईएम के नेता बोल रहे हैं कि पानी का जो स्तर है वो ग्राउंड के नीचे चला गया है, पंप भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये 3 साल में पानी का हमने पानी को ढकेल दिया नीचे। मतलब 70 साल क्या, उससे भी पहले 100 सालों तक हमने पानी की चिंता नहीं की, कंजर्व नहीं किया, इसलिए पानी का लेवल चला गया है। आज चिंतन किया जा रहा है, इंटेंशन इंप्लीमेंटेशन ये दोनों काम अच्छे से चल रहा है। तीसरी बात है, मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स रखे गए, चाहे फ्रजाइल 5 to fabulous few, ये कोई छोटा सफर है। देखिए अंजना जी, मुझे 10 सेकंड आप दीजिए, ये बोलना आवश्यक है, भूल जाइए प्रधानमंत्री को, तो आप बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, मगर आप जो इंटरनेशनल एरिना में जो पॉइंट्स रखे गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 में 142 रैंक पे थे, 2018 में 100 रैंक पे, ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स पहले हम 99 पे थे, आज 26 पे आ गए, यूनाइटेड नेशन ई गवर्नेंस इंडेक्स पहले 118 पे थे 2014 में, अब 97 पे आ गए, इनोवेशन इंडेक्स 2014 में 76 पे थे 2018 में 60 पे आ गए, ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स 2012 पे थे 107 पे आ गए, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 71 पे थे 39 पे आ गए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 54 पे 34 पे आ गए। ये देखिए ये जरूर राहुल जी कान में कहा होगा, ये बड़ा दुखद है राजनीतिक विफलता की कुंठा को इस तरह से निषेधात्मक रूप से देश के प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलना, और प्रधानमंत्री छोड़िए, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी के बारे में भी, सोनिया गांधी के बारे में भी, आप तर्क के आधार पर कोई आलोचना करें वो ठीक है, लेकिन किसी राष्ट्र के नेता के बारे में झूठ बोलना और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इस तरह से उनका उपहास करना, ये मर्यादा के प्रतिकूल है। और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने इनकी सरकार बचाई, और इनकी सरकार इसलिए ने बचाई कि इनसे कोई पद लिया, इनसे कोई पैसा लिया, इनकी सरकार इसलिए बचाई कि हमने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कराया, इनके दल में भी नहीं था, और इनके गृह मंत्री ने मुझे चार्जशीट करके बिना किसी कारण के तिहाड़ जेल में भेजा, और आज मैं कह सकता हूँ कि निचली कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मैं बाइज्जत बरी हुआ। हमारे वो बीते हुए दिन, मैं तो ये कहूँगा कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो मेरे प्यारे पलछन, ये जीवन बर्बाद किया इन लोगों ने, क्या बात करते हैं ये अपने, इनका तरीका तो देखिए, इनका सलीका तो देखिए, सुलझ जाती है जब गुत्थी तो उलझा दिया करते हैं, इसलिए अपने लोगों के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया, इसलिए 40-42 पर है। अगर प्रधानमंत्री झूठे हैं तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा वो कितने झूठे हैं, और अगर आप सच्चे हैं और अपनों का बड़ा साथ दिए तो भी पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। अमर सिंह जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, जो आपने अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स बताई मैं कुछ नहीं बोल सकता। प्रॉब्लम नहीं बताई है अमर सिंह जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने ये कहा, मैं तो आंकड़ा दे रहा हूँ अमर सिंह जी, अगर उसमें कोई गलती है तो आप बोलिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन हमने ज्यादा किया, अगर मैं ये आंकड़ा दे रहा हूँ अगर उसमें गलती है तो आप बताइए कि झूठ झूठ बोल रहे हैं वो, तो मैं क्या बोलूं फिर, अमर सिंह जी झूठ का क्या पर्याय पद की जो मर्यादा होती है, पद की जो मर्यादा होती है उसके साथ क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। आप कहिए असत्य, आप असत्य भी मत कहिए, आप कहिए असहमत है। नहीं, असहमत कैसे हुए अमर सिंह जी, जब डाटा कोई चीज बोल रहा है, सरकारी डाटा,
सरकारी डेटा। 18,000 गांव अभी तक बिजली से वंचित क्यों थे? सम्मान करिए, आज तक के चैनल पे सर 10 सेकंड सर आपके अनुमति से बड़े आप लोग सब लोग देखिए मैं इतना कह रहा हूँ, आज तक के चैनल पे ही मैंने